वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजु ओडिया हब। आज आम आलोचना करवा मिशन ओएफएस 2020-2029 36 गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जदि आज सेसन टी आपको भल लगे निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को दबाई देवे और जो मैंने न आसी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम क्वेश्चन टी हूँ क्यों श्रेणी लोक मान द्वारा ओडिशार आराध्य देवता श्री जगन्नाथ पूजा पाते तेल रेड आंसर टी कौन हो रेड आंसर टी हूँ शबर है। मुझेपरी 10 गोटी क्वेश्चन रखी कि डायरेक्ट आपण मानी कौन सी ऑप्शन पर आंसर आसीबो है। क्वेश्चन नंबर दुई अच्छी कहा मतरे लोक साहित्य दुई भाग में विभक्त यथा गद्यात्मक एवं पद्यात्मक। राइट आंसर टी हूँ डॉक्टर नारायण शतपथी। क्वेश्चन नंबर तीन अच्छी लोक साहित्य को मुख्यतः केते भाग में विभक्त कराई तान भाग एवं सेगुड़ कौन कौन सेगुड़ी हूँ लोककथा लोकनाट्य एवं लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रे अच्छी फोल्क शब्द को प्रथम किए व्यवहार करते हेडर करते किए करते हेडर करते है प्रथम फोल्क शब्द को व्यवहार किए करते हेडर करते। क्वेश्चन नंबर फाइव रे अच्छी इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द कौन अटे फोल्क है। इंग्राजी रे लोक शब्दर पारिभाषिक शब्द टी कौन अटे फोल्क अटे। क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन रही फोल्कलोर शब्द को प्रथम किए व्यवहार करते हैं राइट आंसर टी कौन थॉमस कौन करते फोल्कलोर शब्द को प्रथम व्यवहार करते। क्वेश्चन नंबर सेवेन जो साहित्य लोकग्राह्य ता ही लोक साहित्य यह किए कहते राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हूँ रवींद्रनाथ ठाकुर है। राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हूँ रवींद्रनाथ ठाकुर। फ्रेंड्स एत दिन पर्यंत आपण मानक वीडियो न पहुँचार कारण हूँ मो देह टे ठीक ना। क्वेश्चन नंबर एट अच्छी ए स्टडी ऑफ ओडिशियन फोल्कलोर कहा द्वारा रचित राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हूँ डॉक्टर कुंज बिहारी दास है। डॉक्टर कुंज बिहारी दास ए स्टडी ऑफ ओडिशियन फोल्कलोर को लिखी थे। क्वेश्चन नंबर नाइन रे अच्छी ए स्टडी ऑफ ओडिशियन फोल्कलोर पुस्तक केबे रचित होता जहाँ कुंज बिहारी दास द्वारा रचित ता के रचित होता 1953 मसीह रचित होता है। क्वेश्चन नंबर टेन रे अच्छी निम्नलिखित मध्यर क्योंटी लोक साहित्यर वैशिष्ट नुहे ऑप्शन कौन दिया है संगीत धर्मिता गीतिमयता पल्लीप्राणता भाग्यवाद मूलक राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हूँ भाग्यवाद मूलक लोक साहित्यर वैशिष्ट नुहे। क्वेश्चन नंबर 11 लोक साहित्यर विपरीत शब्दटी कौन अटे नाट्य साहित्य प्रबंध साहित्य पल्ली रचना ना विदग्ध साहित्य ताले राइट आंसर हूँ विदग्ध साहित्य हूँ लोक साहित्यर विपरीत शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 लोकमुखरे बंची रही कविता को कौन कहुए ग्राम्य गीति सनेट अष्टपदी ना लिरिक राइट आंसर टी हूँ ग्राम्य गीति बोली कहुए जो कविता लोकमुखरे बंची रही था कौन कहुए ग्राम्य गीति कहुए। क्वेश्चन नंबर 13 रजपर्व क्यों गीत गायन कराए कांदणा गीत नाउरिया गीत दोली गीत ना सगड़िया गीत ताले राइट आंसर टी हूँ दोली गीत रज पर्व दोली गीत रचना कराए। क्वेश्चन नंबर 14 है ये देखो टिके मिस्टेक नंबरिंग करें तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कौन रही टू को मुसी क्यों गीत अंतर्गत नाना बाय गीत समर गीत कृषक गीत चैती घोड़ा गीत ताले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी अच्छी नाना बाय गीत टू को मुसी जो गीत अच्छी ता क्यों गीत अंतर्गत
नाना वागीत अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कौन रही फोक टेल्स ऑफ ओडिशा पुस्तक रचयिता किए, तेल राइट आंसर टी हो डॉक्टर उपेन्द्र नारायण हला नायक हला। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रही इंग्राजी प्रोभार्ब को ओडिया कौन कहते प्रतीक किंबदंती जनश्रुति ना प्रवचन, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो प्रवचन हला। प्रोभार्ब को कौन कहा जाए प्रवचन बोले कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्यों माने घरे घरे बुली भिक्षा करती चकुलिया पंडा ब्राह्मण शूद्र ना उपरोक्त समस्त, ताहले राइट आंसर टी कौन है राइट आंसर टी हम चकुलिया पंडा। चकुलिया मान पंडा मैंने कौन करती घरे बुली बुली भिक्षा करती। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 रही मो पे काली बजाई दे क्यों गीत अंतर्गत है। मो पे काली बजाई दे जो लोकगीत अच्छी ता क्यों गीत अंतर्गत ना दिया गीत शिशु गीत पाटुआ गीत ना समर गीत, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो शिशु गीत अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ग शिशु गीत अंतर्गत कौन मो पे काली बजाई दे गीतटी अटे। क्वेश्चन नंबर 17, आ जन्मा मो सरग शशी क्यों प्रकार गीत अटे नाना बाय गीत नारी गीत शिशु गीत ना पुरुष गीत, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो शिशु गीत है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कौन रही गाउली उत्कल गाउली गीत चुंबक कहा द्वारा रचित चक्रधर महापात्र देवेंद्र सत्यार्थी गोपाल चंद्र प्रहराज चक्रधर महापात्र, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो चक्रधर महापात्र है। क्वेश्चन नंबर 19, केवे उत्कल गाउली गीत संगृहित होता 1949 मसीह 1938 मसीह 1929 मसीह 1940 मसीह, राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो 1939 मसीह है। क्वेश्चन नंबर 20 कौन अटे गाथा शब्दर प्रयोग क्यों साहित्य देखा जाए ब्राह्मण साहित्य आद्य ब्राह्मण साहित्य मध्य ब्राह्मण साहित्य ना उपरोक्त समस्त, ताहले राइट आंसर टी कौन मध्य ब्राह्मण साहित्य गाथा शब्दर प्रयोगटी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण साहित्य को केते भाग व्यक्त कराई दुई भाग चारि भाग तीन भाग ना पांच भाग, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो दुई भाग व्यक्त कराई साधारण साहित्य को केते भाग व्यक्त कराई मुख्यतः दुई भाग व्यक्त कराई ताहा होची गद्यात्मक एवं पद्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कौन रही लोक साहित्यर अन्य नामटी कौन अटे वेद साहित्य श्रुति साहित्य पल्ली साहित्य ना उपरोक्त समस्त, ताहले लोक साहित्यर अन्य नामटी अच्छी पल्ली साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 23, क्यों मैंने घर को घर बुली केन्द्रा बजाए भिक्षा करते जोगी मैंने चकुड़िया पंडा मैंने उभय क एवं ख ना कौन सी नुहे, ताहले देख आम जब घर को घर बुली भिक्षा करती कहुए तो चकुड़िया पंडा हो राइट आंसर, किंतु एठार कहला कि घर को घर बुली केन्द्रा बजाई ताहले राइट आंसर टी कौन जोगी मैंने है जोगी मैंने कौन करते घर को घर बुली केन्द्रा बजाई भिक्षा करती। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे टीका गोविंद चंद्र क्यों गीत अंतर्गत पाटुआ गीत जोगी गीत चकुलिया पंडा गीत ना उभय क एवं ख, ताहले राइट आंसर टी हो कौन ऑप्शन नंबर ख जोगी गीत अटे है। क्वेश्चन नंबर 25, शंखचिल भाई यह क्यों प्रकार गीत शिशु गीत कांदणा गीत सापुआ किला गीत ना उभय क एवं सॉरी पुची गीत, ताहले राइट आंसर टी कौन राइट आंसर टी हो शिशु गीत शंखचिल गीत जो भाई अच्छे गीतटा ता शिशु गीत अंतर्गत अटे। एवं एवं जो क्वेश्चन अच्छे ता लोक कहानी मुझे 10 गोटे नहीं आसी देखो लोक कहानी मुख्यतः केते भाग विभक्त 4 भाग 5 भाग 6 भाग 8 भाग, ताहले राइट आंसर टी हो 6 भाग लोकगीत
ଈଶ୍ୱରୀ ଲୋକ କାହାଣୀ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, କୀଚକବଧ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଅଟେ? ଐତିହାସିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ପୌରାଣିକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପୌରାଣିକ। ହେଲା, କୀଚକବଧ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଅଛି ତାହା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କାଶ୍ୟା କପିଳା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ? ଐତିହାସିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, ପୌରାଣିକ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ କାହାଣୀ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକକାହାଣୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ ଅଛି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ? ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଉଭୟ କ ଏବଂ ଖ ନା ଐତିହାସିକ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀ। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ରେ ଅଛି, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଫେବେଲ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀକୁ, ଓଷାବ୍ରତମୂଳକ କାହାଣୀକୁ ନା ଐତିହାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀକୁ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାହାଣୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଂରାଜୀରେ ଫେବେଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସରେ ଅଛି, ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, ହେଲା, ଓଷାବ୍ରତ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି? ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଓଷାବ୍ରତ କ'ଣ କରାଯାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନରେ ଅଛି, ଲୋକକାହାଣୀରେ ଭୂତପ୍ରେତ, ଅସୁର, ଅସୁରୁଣୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ? ମାନବ ବେତର, ଜୈବିକ, ଜଡ଼ ଏବଂ ଆସୁରିକ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ସରି ଘ, ଆସୁରିକ। ହେଲା, ଭୂତପ୍ରେତ, ଅସୁର ଏବଂ ଅସୁରୁଣୀଙ୍କୁ ଆସୁରିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଲୋକକାହାଣୀରେ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଲୋକକାହାଣୀରେ ମାଲ୍ୟାଣୀକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କହନ୍ତି? ପ୍ରେମଦୂତି, ଅସୁରୁଣୀ, କଳଙ୍କିନୀ ନା କାମଦୂତି? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମଦୂତି। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନରେ ଅଛି, ଲୋକକାହାଣୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସରୀସୃପ, ଅମାନବ୍ୟ ନା କ'ଣ ମାନବ ଭିତର? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ। ହେଲା, କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରେମପତ୍ର, ମାଲ୍ୟାଣୀ, କୁଟୁମୁଣୀ ନା ଜାଇଫୁଲ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମାଲ୍ୟାଣୀ, ବୁଝିହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଗାର, କେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ? ରୂପକ ଗଳ୍ପ, ମାଲୁଣୀ ଗଳ୍ପ, ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପ ନା ଗାଳୁ ଗଳ୍ପ? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଗାଳୁ ଗଳ୍ପ। ଗାଳୁ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ କାହାଣୀ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ନଅ ନମ୍ବର କହୁଥିଲି ତାହାର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଅମାନବୀୟ ହେବ। ହେଲା, କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଅମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ହେବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।